जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। इनमें उत्तर प्रदेश के आगरा के पुलिस अधिकारी DGC क्राइम बसंत कुमार गुप्ता के बेटे कैप्टन शुभम गुप्ता भी शामिल हैं। और जैसे ही कैप्टन शुभम गुप्ता की शहादत की खबर उनके घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत गुप्ता के बेटे थे। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्र भेजकर उनकी शहादत पर शोक जताया। शुभम साल 2015 में सेना में भर्ती हुए थे और उनकी पहली पोस्टिंग उधमपुर में हुई थी। राजौरी के धर्मसाल इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। कैप्टन शुभम की शहादत की सूचना मिलते ही राज्य के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, SP सिंह बघेल, बेबी रानी मौर्य, सांसद राजकुमार चाहर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी सांत्वना देने उनके घर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता देश सेवा के लिए कितने जुनूनी थे, इसका एक अंदाजा उनके उस वीडियो को देखकर भी लगाया जा सकता है जो उनकी शहादत के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में कैप्टन शुभम गुप्ता देशभक्ति का गीत गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजनों के मुताबिक कैप्टन शुभम को गीत गाने का बहुत शौक था और उनमें भी वो ज्यादातर देश प्रेम के गीतों को ही पसंद किया करते थे। देश सेवा का गीत गाते हुए उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि शुभम 6 महीने घर नहीं आए थे और उनके परिवार के लोगों से आखिरी बार दीपावली पर बात हुई थी। वीडियो कॉल पर उन्होंने माता पिता और छोटे भाई समेत परिवार के सभी लोगों से बात की थी और छुट्टियों पर घर आने का वादा किया था। राजौरी में शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता ने अपनी माँ से आखिरी बार दीपावली पर वीडियो कॉल पर बात की थी और वादा किया था कि वो बहुत जल्द छुट्टियों पर घर वापस लौटेंगे। लेकिन इससे पहले ही उनकी शहादत की खबर उनके घर पहुंच गई। परिवार के मुताबिक कैप्टन शुभम ने दीपावली पर अपनी मां से वादा किया था कि वो अगले सप्ताह घर आएंगे। घर वाले बेसब्री से शुभम का इंतजार कर रहे थे। मां और पिता दोनों ही बेटे के सिर पर दूल्हे का सेहरा सजता हुआ देखना चाहते थे। उनके छुट्टी पर घर वापस लौटने पर उनकी सगाई होनी थी, इसकी तैयारी में पूरा परिवार लगा हुआ था। लेकिन राजौरी में आतंकियों का सामना करते हुए वो शहीद हो गए और बेटे के सिर पर सेहरा देखने का उनकी मां का सपना अधूरा रह गया।